देवोलीना भट्टाचार्य जी प्रेगनेंसी को मानती है छठी मैया का आशीर्वाद, बोली बंगाली हूँ पर छोड़ दिया नॉनवेज। देवोलीना भट्टाचार्य जी माँ बनने वाली है। बीते दिनों वो इंस्टाग्राम पर पंचामृत सेरेमनी मनाती दिखी थी। हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में देवोलीना ने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बात की। देवोलीना अपनी प्रेगनेंसी को ईश्वर का आशीर्वाद मानती है। उन्होंने पारस से कहा कि छठी मैया की बिटिया शो साइन करने के बाद ही उन्हें खुशखबरी मिली, वो नॉनवेज खाना भी छोड़ चुकी है। देवोलीना ने 15 अगस्त को अपने पति के साथ खुशखबरी दी थी कि वो माँ बनने वाली है। पारस छाबड़ा के शो पर उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ये इत्तेफाक है या ईश्वर की मर्जी, मैंने कभी प्लान नहीं किया था कोई माइथोलॉजिकल शो करूंगी, लेकिन शायद मेरे फैंस की मन्नत पूरी हुई और मैं शो के लिए राजी हो गई। छठी मैया पर अब तक कोई शो नहीं था, इसलिए वे लोग अब तक एक नई कहानी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने मोस्टली महादेव, गणेश जी वगैरह पर ही स्टोरीज देखी है। देवोलीना ने कहा, वो छठी मैया के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी और अब उनका बच्चा भी इस बारे में सीख रहा है। देवोलीना बोली, मैं ऐसे चमत्कार ही मानती हूँ, जैसे ही मैंने शो साइन किया इसके बाद प्रेगनेंट हो गई। मैंने मेकर्स को इस बारे में बताया, वो बोले देवी ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है। छठी मैया नए पैदा हुए बच्चों को प्रोटेक्ट करती है जब तक ब्रह्मा जी की जन्म पत्रिका नहीं लिख देते। देवी इनको बुरी एनर्जी से बचाती है, इसलिए मुझे लगता है इस शो का हिस्सा बनना किस्मत में था। वह देवोलीना बताती है, मैं बंगाली फैमिली से हूँ और हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन इन 7 महीनों में मैं नॉनवेज नहीं खाई, मुझे उल्टी आने लगती है, मैं सिर्फ उबला खाना खा रही हूँ। जब से छठी मैया साइन किया है मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है। टीवी सीरियल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल टेली टेल्स को।